हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान में सत्ता और प्रधानमंत्री दोनों बदलने के बाद भी स्थिति जरा सी भी नहीं बदली है वहाँ की। उल्टा हालात सिर्फ बद से बदतर हो रहे हैं, खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। वहाँ पर तो पाक की सेना और पुलिस का कोई कंट्रोल रह ही नहीं गया है मानो। खैबर पख्तूनख्वा जो एक ऐसा राज्य है जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, प्लस वहाँ पे ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा है और वहाँ के सिक्योरिटी सिचुएशन पूरी तरह से पाक के हाथ से बस बाहर ही हो गई है मानो। और दिन ब दिन टीटीपी के लड़ाके इस राज्य पर लगातार कंट्रोल करते जा रहे हैं। कुछ घंटों पहले एक न्यूज आई है कि इस रीजन में पाकिस्तानी सेना पर एक भीषण हमला हुआ है। ये हमला किया गया है पाकिस्तानी तालिबान के द्वारा, जिसे टीटीपी के नाम से भी जाना जाता है, और पिछले 3 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। पाकिस्तान की आर्मी ने यह खुद एडमिट भी किया है कि 8 पाक सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। पाक सेना के DGISPR ने खुद ये बयान जारी किया है मीडिया के द्वारा। बहुत से ग्लोबल इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पाक सेना बहुत बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि लगातार TTP का दबदबा बढ़ते जा रहा है इस पूरे रीजन पर। और जो जो रीजन TTP कंट्रोल करता है उस एरिया में जाने से पाक सेना और पाकिस्तानी पुलिस बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। और जो हर कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना और TTP में क्लैशेस हो रहे हैं, उसमें हमेशा पाक सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान का तालिबान भी एडवांस कर रहा है। उसने हाल फिलहाल में एक हेलीकॉप्टर की सक्सेसफुली क्रैश लैंडिंग भी करवा दी है। पाकिस्तान आर्मी के हमेशा 70-80% पर्सनल इंडियन बॉर्डर पर रहते हैं, तो अब वो चाहकर भी उन पर्सनल्स में से कुछ परसेंटेज ऑफ सोल्जर्स को हटाकर अफगानिस्तान के साइड नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो एक नेशनल सेफ्टी की बात आ जाएगी। तो पाकिस्तान धीरे धीरे चारों तरफ से घिर रहा है। ईस्टर्न साइड में इंडियन बॉर्डर पर उसे ज़बरदस्ती अपने इतनी बड़ी आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ता है, और वेस्टर्न साइड पर अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तानी TTP दोनों मिलकर उसे आए दिन बजाते जा रहे हैं। अब बस देखना यह है कि जो बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तून वाला एरिया है वो कितने दिन तक पाकिस्तान के हाथों में आखिरकार रहेगा। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।